वाराणसी गजट ये कब बनाया गया था? आप इसको हम पढ़ दे रहे हैं। हाँ। गजट उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद यूपी 1956। ज्ञानवापी केस में आगे क्या होगा? क्या यहां शिवलिंग की पूजा पाठ की इजाजत मिलेगी या ज्ञानवापी पहले की तरह ही मस्जिद बनी रहेगी? वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई के बाद हर दावे की जांच करेगी, हर तथ्यों की पड़ताल करेगी और फिर तय करेगी कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का असल धार्मिक स्वरूप क्या है। लेकिन जिला अदालत में जिरह से पहले हिंदू पक्षों के उन दावे को आज तक अपने सामने परख रहा है जो मुस्लिम पक्ष की दलीलों को गलत बता रहे हैं। आज तक पर तीन वकीलों ने बताया कि आखिर ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का दावा इतना मजबूत क्यों और कैसे है। पुराणों, पुरानी किताबों और वाराणसी के गजेटियर के जरिए ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के सबूत सामने रखे गए। औरंगजेब ने यहाँ के सिर्फ बिंदु माधव और जो विश्वनाथ जी का टेम्पल है उसी को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि संस्कृत कॉलेजों को भी तोड़ने का काम किया और यहाँ के तमाम। लेकिन अभी जो ज्ञानवापी है उसको लेकर क्या इसमें जिक्र मिलता है कि विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर लिखा ना ऑन द साइट ऑफ इज टू हाई मिनरेट्स बीइंग बिल्ट ऑन वन, मतलब क्या ये आधार बनेगा अभी कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, क्या ये आधार बनाएगा उसका? एकदम इसका आधार बनना चाहिए और बनेगा, क्योंकि देखिए नीचे कहां से लिया गया है। ये जो टीम पूरा जो भारत उत्तर प्रदेश की सरकार की टीम थी जिसने अपने गजेटियर में इसको कहां से ये लिया है, इसका भी शेयरिंग और जो मास के आलमगिरी ये इस किताबों से, और इसका जो मेन जो फरमान है वो जो है कलकत्ता में जो एशियन सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी है। हाँ। वहां प्रिजर्व है। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता के वकील अनुपम द्विवेदी ने कमीशन की रिपोर्ट दिखाई और बताया कि शिवलिंग का जो दावा किया जा रहा है पुराणों में उसके पुख्ता साक्षी, ये जो कमीशन में बताया गया है ये देखिए ये तालाब है। हाँ। और इसमें हम शिवलिंग का ये दावा करते हैं। हाँ। अगर ये शिवलिंग हमको मिल गया तो स्कंद पुराण के हिसाब से भी अगर कोई डीटी विराजमान है, कोई मूर्ति विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में वो जगह उस मूर्ति उस डीटी की होगी। स्कंद पुराण की बातों को कोर्ट में आप लोग जब रखेंगे तो वो कितना मजबूत आधार आप लोगों का तैयार कर सकता है? एविडेंस का पार्ट होता है मैम, पार्ट होता है एकदम एकदम, वो स्कंद पुराण एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस एक्ट में मेंशन है। ज्ञानवापी को मंदिर साबित करने के लिए ऐसे कई सबूत जिला अदालत के सामने रखे जाएंगे, लेकिन इस बीच सवाल 1991 में बने एक्ट पर भी है जिसका जिक्र बार बार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। आपको मैं बताऊं कि देखिए पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है, तो जब कब से चल रहा है 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है। हाँ। ठीक है वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। साथ ही हिंदू पक्ष कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आजादी के वक्त ज्ञानवापी का स्वरूप मंदिर ही था। संक्षेप इसमें एक्ट यह है कि 15 अगस्त 1947 में जो धर्म स्थल जिस स्थिति में वही रहेंगे। हाँ, हाँ। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो भी यहाँ बनारस का रहने वाला है उसको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इसका नेचर मंदिर ही था, मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद था। ये बातें तो कानूनी दलीलों की है, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी में हर ओर चर्चा जारी है। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी जब BHU कैंपस पहुंची तो कई छात्रों ने श्लोकों के जरिए ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे को सही बताया। लिंग पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें लिखा गया है कि देवस्त दक्षिणा भागे वापी, देवस्त दक्षिणा भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात मोदक पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। इस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ विशेश्वर है उसके दक्षिण भाग में यह जो कूप है वो ज्ञानवापी का कूप है। ठीक है, अब जिला अदालत में इन तमाम दावों दलीलों पर जिरह होगी जिसके बाद इसका सच सामने आ सकेगा। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।